मोहल्ला अस्सी राजनीति पर करारी चोट करती है, मिले इतने स्टार्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भारतीय राजनीति, धर्म, संस्कृति और आस्था के मर्म को समझते हैं और आपकी जानकारी इन सभी विषयों पर है तो मोहल्ला अस्सी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आप एक मनोरंजक सिनेमा की तलाश में है, ऐसी फिल्मों को देखने के आदि है जिस पर बिल्कुल सोचना ना पड़े, तो शायद आप मोहल्ला अस्सी बिल्कुल ही पसंद ना करें। प्रसिद्ध साहित्यकार काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित ये फिल्म राजनीति पर करारी चोट करती है। भारतीय समाज के मूल्यों को कैसे बाजारवाद ने प्रभावित किया है, इसे संस्कृत भाषा को मेटाफर बनाकर बहुत ही मार्मिकता से दर्शाया गया है। फिल्म के पहले ही दृश्य में निर्देशक मोहल्ला अस्सी के प्रकृति का वर्णन कर देता है कि हिंदुस्तान में संसद दो जगह चलती है, एक दिल्ली में और दूसरी मोहल्ला अस्सी के चाय की दुकान पर। इसीलिए लाजमी ही फिल्म में दृश्यों से ज्यादा संवाद का सहारा लिया गया है। हालांकि आज की सिनेमा का फॉर्मेट ये नहीं है, मगर फिल्म के उल्लेखित विषयों का विस्तार देखते हुए संवादों का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी हो गया है। 6 साल से रिलीज की लड़ाई लड़ रही मोहल्ला अस्सी पर समय का असर तो पड़ा है, मगर समाज की आस्था, नैतिक मूल्य, राजनीतिक गिरावट और धर्म के नाम पाखंड जैसे मुद्दे कभी भी पुराने नहीं हो सकते और यही मोहल्ला अस्सी के लिए 6 साल बाद भी सामयिक बने रहने का कारण है। अभिनय की बात करें तो सनी देओल एक अलग अवतार में नजर आते हैं। ये उनका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। साक्षी तनवर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती है। इसके अलावा रवि किशन अपने किरदार को जी जाते हैं। उपाध्याय बने कला सौरभ शुक्ला और अस्सी घाट के दूसरे सदस्य मुकेश तिवारी, ताविया बडोला, राजेंद्र मेहता, अखिलेंद्र मिश्रा जैसे कलाकार अपने अपने किरदारों में जचे हैं। सीमा आजमी ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कुल मिलाकर मोहल्ला अस्सी उन दर्शकों के लिए है जो वाकई हटकर फिल्में देखना पसंद करते हैं, खासकर जिनकी रुचि भारतीय राजनीति, धर्म और साहित्य में है या कम से कम ये सब जानने की कोशिश में है। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप इस मूवी को लेकर क्या कहना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मोहल्ला अस्सी का फर्स्ट डे कलेक्शन क्या रहा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड के माचो मैन और अभिनेता सनी देओल अपनी फिल्म मोहल्ला अस्सी लेकर आ रहे हैं, जो पिछले 2 सालों से विवादास्पद रही है। ये फिल्म अब रिलीज होने को तैयार है और ये फिल्म काशीनाथ के उपन्यास पर आधारित है। अगर हम सनी देओल की फिल्मों को उठाकर देखते हैं तो सनी देओल एक समय एक्शन के बाप कहे जाते थे। 1990 में उनकी फिल्म घायल रिलीज हुई थी। घायल फिल्म को 7 फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था और ये फिल्म 1990 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म भी थी। अगर उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा या फिर घातक इन सब फिल्मों पर दृष्टि डालें तो साफ पता चलता है कि सनी देओल अपने समय के बॉक्स ऑफिस के किंग थे। उनकी पिछली फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से सनी देओल को सिंगम 3 से निकाल दिया गया। लेकिन आज भी सनी देओल के फैन फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनकी फिल्म अस्सी का घाट बॉक्स ऑफिस पर 8 से 10 करोड़ का बिजनेस पहले दिन ही कर लेगी। इस फिल्म को नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ये फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई है, जिसकी वजह से फिल्म के कलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सनी देओल एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें संवाद अदायगी के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मों में चीर फाड़ देने वाले ही संवाद होते हैं, मगर इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अस्सी का घाट फिल्म में कथित भगवान शिव शंकर के मुंह से गालियां दिलाई गई हैं, जिसको लेकर के विवाद भी हुआ था, परंतु ये फिल्म यथार्थवादी परिवेश को लेकर अपनी कहानी बयां करती है। इस फिल्म के माध्यम से सो कॉल्ड पंडित के चरित्र को भी उजागर किया गया है। इस फिल्म के रिलीज से पहले काशीनाथ के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये फिल्म गदर एक प्रेम कथा और घातक की तरह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी या बनारस के घाट की तरह कहीं खो जाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल बोलीग्राड स्टूडियोज के साथ। 8 साल 11 सुनवाइयों के बाद रिलीज होने जा रही है सुपरस्टार सनी देओल स्टारर फिल्म मोहल्ला अस्सी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा
और आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म 16 नवंबर 2018 को रिलीज होने जा रही है। इसके पहले ये फिल्म 20 जून 2015 को मोहल्ला अस्सी की रिलीज डेट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। गंगा आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी की वो सदियों से है। सनी देओल इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को रिलीज करवाने वाले थे, लेकिन अब ये फिल्म 16 नवंबर 2018 को रिलीज होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म पर स्टे लगाए जाने के बाद 11 अगस्त 2015 को ये फिल्म इंटरनेट पर भी लीक हो गई थी। फिल्म के डायरेक्टर और सनी देओल के खिलाफ वाराणसी में गालियों के लिए एक FIR भी दर्ज करवाई गई थी। ये फिल्म 8 अप्रैल 2015 को CBFC ने बैन भी कर दी थी। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू। अगले हफ्ते रिलीज हो रही बिहू और मोहल्ला अस्सी के बीच पहले से ही है ऐसा कनेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर अगले हफ्ते यानी कि 16 नवंबर को पीहू और मोहल्ला अस्सी रिलीज होने वाली है। कारोबार के हिसाब से तो इन दोनों फिल्मों का टकराव है, लेकिन इनके बीच पहले से ही एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि फिल्म पीहू पत्रकार से निर्देशन बने विनोद कापड़ी की फिल्म है, जबकि सनी देओल स्टारर फिल्म मोहल्ला अस्सी को डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है। आपको याद होगा कि साल 2015 में फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो रिलीज हुई थी। एक बहस के जरिए बनाए गए इस पॉलिटिकल स्टाइल को विनोद कापड़ी ने डायरेक्ट किया था और उस फिल्म को क्रॉसवर्ड फिल्म के साथ विनय तिवारी ने प्रोड्यूस किया था। इस बार विनय तिवारी फिल्म मोहल्ला अस्सी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि विनोद कापड़ी ने फिर से निर्देशन की कमान संभालते हुए पीहू का निर्देशन किया है। पीहू को पिछले साल गोवा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI में ओपनिंग फिल्म के तौर पर चुना गया था, जिसके बाद रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर बतौर इस फिल्म के निर्माता के तौर पर जुड़े थे। ये फिल्म 2 साल की बच्ची की कहानी है जो घर में है और अपने आसपास किसी को ना पाकर वो विचलित होती है। उसकी माँ घर में है लेकिन वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और बच्ची को माँ के द्वारा किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो 2 साल की बच्ची क्या करती है और किन किन दिक्कतों से गुजरती है इस फिल्म में दिखाया गया है। सनी देओल और साक्षी तंवर की मोहल्ला अस्सी लंबे समय से विवादों में रही है। फिल्म जाने माने साहित्यकार काशीनाथ सिंह की किताब काशी का अस्सी पर आधारित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, मोहल्ला अस्सी और पीहू का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो इन दोनों ट्रेलर में से आपको कौन सा अच्छा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन।